Well, amid the global COVID-19 pandemic, students at the police training center Bandardeva quarantine facility in Arunachal Pradesh seem to be unhappy about the services provided. Students have complained of bad food being served to them at the quarantine center. Apart from unhygienic sanitization facility, they also complained of worms being found in their food. And all this is at a government designated quarantine center. बंदरदवा में क्वारंटाइन होने वाला लोग यही हम लोग का एक ही रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर देखा गया कि जोनल क्लासिफिकेशन ठीक से नहीं किया जा रहा है ना. हम लोग कल गुवाहाटी से 4 बसेस में हम लोग स्टूडेंट्स और कंसर्न वहाँ के इंसान लोग आए यहाँ पे, तो देखा गया कि पूरा यहाँ पर मिक्सअप होकर सब लोग बैठा हुआ है. रेड जोन से आया हुआ भी, ग्रीन जोन से आया भी, हम लोग पूरा सब यहाँ पर मिक्सअप होकर बैठ रहे हैं. एक ही बाथरूम को हम लोग शेयर कर रहे हैं, एक ही टंकी से पानी हम लोग बकेट मग घुसा के वहां से पानी निकाल के यूज कर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं लग रहा है हम लोग को ना. ये तो कोई मीनिंग ही नहीं रही है हम लोग का, ग्रीन जोन से आया कि रेड जोन से आया. हम लोग सब एक ही साथ यूज करके लग रहा है कि बीमार नहीं होने वाला भी यहाँ आके हम लोग बीमार हो जाएगा. जो बहुत दिन से यहाँ पे क्वारंटाइन होके बैठा हुआ है, जो 9-10 दिन हो गया, उन लोग भी हम लोग एक ही बसात बाथरूम यूज करें. उन लोग को तो शायद टेस्ट भी कर लिया गया होगा, तो अभी 1-2 दिन के अंदर अगर टेस्ट नेगेटिव भी आ जाए तो हम लोग, और जो रेड जोन से परसों, रेड जोन से भी परसों ही लोग आए, तो आके हम लोग मिक्सअप हो जाएगा. तो उन लोग बाहर निकल जाने से भी उन लोग अभी सिम्टोमेटिक होगा, लेकिन बाहर आके भी उन लोग सिम्टम शो करके उनका उन लोग फैला सकते हैं बीमार को. वही हम लोग के साथ भी होगा. हम लोग यहाँ बीमार नहीं होके भी आए, लेकिन आके यहाँ बीमार हो जाएगा लग रहा है. और सेकेंड बात कि जो पानी यहाँ पे हम लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है, वो एक 12 से टंकी खुला टंकी है, उससे हम लोग मग में घुसा के पानी यूज कर रहे हैं. वो भी इतना गंदा है, वहाँ पे मेंढक तैर रहे, कीड़ा मकोड़ा पूरा दूध के, और उसी पानी से हम लोग को ब्रश तक करना पड़ रहा है. उसके बाद कल आया तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी ठीक से नहीं है. उसके बाद जो गर्म पानी भी हम लोग को प्रोवाइड नहीं किया गया. कल बारिश था, बहुत सारे लोगों का अभी गला खराब हो गया, लेकिन गर्म पानी भी हम लोग को ठीक से प्रोवाइड नहीं किया गया. सीएम ने भी विजिट किया है, लेकिन अभी तक लेटेस्ट इनपुट कल रात तक भी काफी खराब था. खीरा भी मिल रहा था खाना में और टॉयलेट फैसिलिटी ठीक नहीं था अभी तक. तो क्या कहना चाहेगा सर आप? तो मैंने तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जो भी हो हम लोग हेल्थ सेक्टर को एंगल को देख के हम लोग काम कर रहे हैं. कहीं में तो लूप्स और भी हुआ होगा, उसको तो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोग स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया है जो भी हो अच्छा से हम लोग हेल्थ केयर करके काम करना है बोल के. Well, this poses a serious concern, especially when Chief Minister Pema Khandu had paid a visit to the Bandardeva quarantine center a few days ago. Despite Pema Khandu's assurance to the student of proper hygiene and sanitation, services provided to the students are not quite satisfactory. All right. Indu Chuku from Itanagar joins me over the phone line. So, Indu, clearly, a poor conditions of a quarantine facility came into light in Bandardeva in Arunachal Pradesh. So, Indu, why such carelessness is still witnessed? That too in a quarantine center, and despite Chief Minister Pema Khandu's recent visit to the center, Indu. Yes, Priyana, a sheer negligence can be seen, a sheer lackadaisical attitude from our state government can be seen. Because since the state is in this green zone area and all the students are being evacuated by the state government to the designated quarantine center, especially in the PTC Bandardeva, which happens to be the largest quarantine center for all of them in a capacity of in a very large accommodated capacity. So Priyana, like some days back, as you have rightly mentioned, on 3rd May, last Sunday, CM Pema Khandu, along with the state chief secretary, has already visited on the note of a video that was going viral when a person in the quarantine center has recorded and it got out. And reacting to that video only, the CM has taken stock and went to the quarantine center. So a sheer negligence can be seen, because had it not been the video, had it not been the viral video, then the authorities cannot, they would not have taken any steps, and they would not have visited the site. But despite of visiting the site, and even after the CM's visit, a few days later on 7th May, the Home Minister, Mr. Bamang Felix, has also visited the site and has also took stock on the matter. And despite of that, no such things, no proper facilities, and still the problem is same, especially concerning the bad food.
And regarding the bed toilet facility, the washroom and all the sanitation facility, the Home Minister have assured and have informed that they will be soon providing some extended toilets which can be shifted and some other movable toilet sets. But till now the condition, especially the sanitation facility and the food facility, is in a very bad shape. All right, Indu, thank you so much for joining us and giving us all the details.